नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर छपरा बिहार से, जहां नगर विधानसभा से भाजपा के टिकट से लड़ रहे कृष्ण कुमार मंटू इन दिनों क्षेत्र में काफी सक्रिय रूप से लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं लोगों का भी उनको अपार समर्थन मिल रहा है। आज उनके द्वारा नगर विधानसभा क्षेत्र के परमानंद छपरा, परशुरामपुर में खोसी, अमनौर, मधुबनी गाँव में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका कहना है कि विकास किया है, विकास करेंगे, अमनौर का बिहार में नाम करेंगे। कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं यह चुनाव जीत कर अमनौर की आम लोगों के लिए विकास का एक नया अध्याय बनाऊंगा। उनके इस जनसंपर्क अभियान में मुखिया सत्येंद्र सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि पप्पू सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार मंटू से सवाल किया गया, तो क्या कुछ कहे, देखिए यह रिपोर्ट। तेजस्वी जी, 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं बिहार में, इस पे आपका क्या कहना है? 15 साल मौका मिला था, चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, अब आज वो जुमला दे रहे हैं। रोजगार कहाँ से देंगे? अपने बेरोजगार बेरोजगार होने वाले हैं, रोजगार दूसरे को नहीं देने वाले हैं। उनको नीतीश कुमार के साथ आए, रोजगार मिला, खुद बेरोजगार होने वाले। अमनौर में अभी आपका दौरा कहाँ कहाँ आज हुआ? आज हम लोग अमनौर हाथा, घोसी अमनौर, तहारपुर, स्नानपुर सहित दर्जनों गाँव में दौरा करेंगे। कल हम लोग बगही, कुआरी, परशुरामपुर, मधुबनी सब हम लोग का दौरा किए। कयासों से पता चला कि मधुबनी में आपका जमकर स्वागत हुआ, वहाँ के लोगों का अपार समर्थन मिला। सभी जगह लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल रहे थे, हर गांव मोहल्ला सभी समाज के लिए कुछ ना कुछ काम किए थे। जहाँ 50 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ था, वहाँ हम लोग काम करके दिखाए थे। ऐसा ऐसा सड़क था जहाँ कभी मिट्टी नहीं ढालाया गया था, एक अभर से मधुरवी सड़क आप लोग कभी देखे होंगे, आसपट्टी सड़क आप लोग देखे होंगे, ऐसा ऐसा जहाँ पर कभी कोई सपना में सड़क रोड बनेगा, जहाँ कब सबसे कम लेबर के लोग रहते थे, ऐसा ऐसा अपने काम किए। और हम लोग नाला में काम किया है, काम करेंगे, हम लोग ऊंचा नाम करेंगे। और आज जो शांति व्यवस्था है बिहार में, देश का जो नाम नरेंद्र मोदी जी आगे कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार में सुशासन का राज लाए हैं, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि राज बरकरार रहे और अमनौर में कमल खिलाना है, NDA सरकार बनाना है, सब लोग। इस बार कमल अमनौर में खिलेगा? एकदम बिल्कुल 100% खिलेगा, और NDA की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो भी धरातल का विकास दिख रहा है, NDA की सरकार में दिख रहा है। हम लोगों ने 15 साल इनका भी सरकार देखा है और इनका भी सरकार देखा है, जो आज जो भी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो योजनाएं आती है, धरातल पे दिखती है। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। आपने भी देखा होगा कि 15 साल पहले बिजली का खंभा था, मगर बिजली नहीं चल रहा था। आज बिजली 24 घंटा मिल रहा है, रोड बना हुआ है, 7 मिनट के तरह हर घर नली गली बन रहा है, पक्की नाली बन रहा है, और पानी का भी व्यवस्था हर घर में पहुंच रहा है। इसलिए कहने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है, और पूर्ण बहुमत से NDA की सरकार बनने जा रही है बिहार में। नीतीश कुमार सिंह, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह, मुखिया, प्रदेश मुखिया, ग्राम पंचायत राजगंज। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।